got me reaching out, and do you see you got me falling in more times than I can get out. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं समीद के साथ के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप शामिल कहते हैं, मैं हूं असद अली और आप SM यूट्यूब चैनल सरारा के ऊपर। तो आज हम एक पर्सन के साथ मिलने आए हैं जो कि काफ़ी फेमस है यूट्यूब के ऊपर। ये आप घर देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे जो लोग उनको देखते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं। तो मेरे साथ कौन आए हैं, दीदार तो करा दें सर जी, लिफ्ट नहीं करा रहे आज आप? मैं हूँ अजमत अली। और जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना, मैं कह रहा था इन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे, वही वाले भाई हैं। हाँ, वही वाले भाई हैं। और हम आए हैं यहाँ एक बड़े अच्छे दोस्त को मिलने अपने। एग्जैक्टली और मेरी जो है ये पहली मुलाकात है उनके साथ। मुझे अक्सर मिलते रहते हैं इनके, तो पुराने दोस्त हैं, जाहिर सी बात है मेरी पहली मुलाकात है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं भी दिखाता हूँ यहाँ के सराउंडिंग्स, पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद जो है वो उनको मिलते हैं जाके। तो जी ये रहे इसके सराउंडिंग्स। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये हमारे बड़े मोहतरम भाई, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतनी दफ़ा मैंने कभी अपनी, बल्कि अब तक की वीडियो में मैंने नहीं अपना इंट्रोडक्शन दिया होना, जितनी दफ़ा सर ने अपनी इस एक वीडियो में दे दिया वैसे। तो जी ये जानवर भी मेरा ख्याल है बजमत, वैसे ये बछड़ा है, अगर इसको ज़िबा किया जाए इसमें से कितना गोश्त निकलेगा? ये भी ज़िबा के काबिल नहीं है, छोटा है। नहीं यार, मैं वैसे कमज़ोर है लेकिन एज इसकी काफ़ी है। नहीं नहीं छोटा है। क्या बात है यार, इसके सीखों पे लगा के इसके कबाब बनाए जाएंगे। हाँ हाँ, पुट दे गोश्तियाँ बोटियाँ, क्या बाजार से मिल जाते हैं आप जानवर के नाम से। इसके पावों का सूप, क्या बात है। के लिए रखा हो गरीबों ने और आप इसको यहीं पे बेचारे को। तो ये मोटर पम्प है और अब चलते हैं हम उनके घर की तरफ। आ जाए भाई साहब, चलते हैं। हो गया यहाँ का काम, पाइप पूरे पका लिए हैं, पुठी गोतियाँ खा ली हैं, कबाब बना लिए हैं, तब चलते हैं। शाम का खाना नहीं मिलना फिर आप। वेलकम। और सीधे तो ना कर रहा सी मेहमानों के आने से ताले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं ना इनको सेलिब्रिटी है ये हमारे, और इनको मैंने तकल्लुफ दिया, दूसरी बार इनसे मिला हूं। मैं कहा मैं कैम में कैप्चर नहीं हुआ, तो दूसरे कैम में जो कैप्चर करके वो आपको दिखाना है। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी जब वो भाई बैठा दौड़ लगाने लगे, हम वैसे ना वो खा पी के आए हैं भाई। नहीं नहीं, खाएंगे तो आप जो भी होगा टाइम खाने का तो खाना खाएंगे, पानी का टाइम होगा तो पानी होगा इंशाल्लाह। चलिए अब बैठ के बाकी बातें कर लें, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो मैसेज कैप्चर करते हैं। तो ये जो भाई मुकल्लब लोगों का घर है ये वाला, ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ, तो बड़ा खूबसूरत सा पेंट किया हुआ। जरा मैं छत आपको इनका दिखाता हूँ, ये चेक करें, बहुत ही मजे का लगा, मुझे पसंद है। बस भाई मुकल्लब कह रहे होंगे मिले मनु आया तो खान छत दे जी। मैं क्या, आप कह रहे होंगे मैं मिलने आपसे आया और दिखा छत। नहीं नहीं नहीं, असल में आपको पता है काम चल रहा है, तो घर जो होता है ना इसकी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बनती रहती है, साथ साथ खत्म होने का नाम ही लेती है। अभी तो हमें एक्सपीरियंस हो गया। और एक चीज इंसान अभी पसंद से बनवाता है तो जब जाकर दूसरी देखते ये भी होनी चाहिए थी, ये भी होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए भाई मुकल्लब से जाए वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। भाई मुकल्लब आपको कहीं देखा देखा? हाँ, मैं असल में ना भाई करम के साथ मुबारक भाई के पास आता जाता रहता हूँ, तो उसके साथ फिर भाई मुबारक की वीडियो में भी आया हूँ, शायद आपने वहां से देखा हो। हाँ एग्जैक्टली ऐसे नहीं, मैंने आपको यूट्यूब पे भी कहीं देखा, आपका यूट्यूब चैनल भी है ना भाई? हाँ। तो जी भाई मुकल्लब का यूट्यूब चैनल है, वैसे बोला था बात है कि खुद सेलिब्रिटी है, तो इन्हें जो है वो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपकी मोहब्बत है, ये हमारे भाई हैं और अजमत भाई के छोटे भाई हैं माशाल्लाह से, तो बस ये आपकी मोहब्बत है, आपकी चैनल है, ये हमारा नहीं है। वैसे आपस की बात है, ये भाई अजमत क्यों बड़े भंसावर के साथ बैठे हुए? असल में मेरे भाई मैं नहीं आता ना, तो आपके रस्ते का भी कम नहीं बताता। आप फर्स्ट टाइम आए ना हमारे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो घर फिर आपको पसंद है माशाल्लाह? मुझे आप पसंद है माशाल्लाह।
हाँ फिर वो भी माशाल्लाह घर पर से पता अच्छा ही है, नो डाउट। बाहर का भी मैंने दिखाया दूसरों को। तो मैं एक चीज़ ज़रूर सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर जो होते हैं वो काफ़ी बिजी होते हैं और उनका एक होता है ना वो लेवल होता है अपना बात करने का और सारी चीज़ों का और इस तरह, लेकिन मुकल्लब भाई के साथ मिलके ना मुझे बहुत ही सादा सा जो है वो महसूस हुए हैं। और इनका जो रवैया था मेरे साथ वो बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह था इनका, बड़ा अच्छा लगा। नहीं हमारा दोस्ती वाला नहीं है रिश्ता, हमारा भाई वाला रिश्ता। मैंने अजमत भाई से, मुबारक भाई से आपके बारे में सुना है, लेकिन जो मुलाकात हमारी फर्स्ट टाइम हुई माशाल्लाह से, तो हमारा भाई वाला रिलेशन है, दोस्ती वाला नहीं है। रवैया आपका भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया जनाब भाई से मिलके और इतनी बेतकल्लुफी से, और इस तरह इन्होंने वार्म वेलकम किया कि बस शॉकिंग रहा, वो मैं कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन यह कि बहुत मज़ा आया इनके साथ मुलाकात करके। पहले मुझे तो मुझे मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, आपको मैं कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सोचा था ना उससे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं आपको वीडियोज में देखता था कि आप इतने फ्रेंकली हैं और माशाल्लाह से भाई अजमत जहेब भाई तो काफ़ी शोर मेला आप लगाते हैं उनके साथ, उससे बढ़कर मैंने आपको पाया माशाल्लाह। क्या बात है, पता नहीं है वैसे आप लोगों को बताने के लिए भाई भाई ने अच्छा मेरे बारे में बताया है। वैसे तो फीलिंग करना हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर जो हैं वो ये अजमत भाई हैं, तो मैं अजमत भाई से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ। सीनियर सीनियर मुझे एडवाइस कह सकते हैं वैसे सेलिब्रिटी है भाई मुकल्लब भाई, सेलिब्रिटी है आपको मानना पड़ेगा, और हम ये जी बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जी बाकी ऐसे ही अभी दो चार मिनट इनके साथ बैठे हुए और मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बता दी हैं, सिखा दी हैं जो मुझे नहीं अंदाजा था, जिनको मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, चीज़ों को भाई ने मुझे बता दी हैं। तो अब अच्छा आप एक और सवाल आपसे जी भाई, आप पिछले दिन टूर करके आए हैं जी जी, सबसे मज़े की जगह कौन सी लगी आपको? सबसे मजे की वैसे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से सारी जगह मजे की हैं एग्जैक्टली, लेकिन सबसे जो मजे की जगह लगी बस स्कर्दू में एक जगह है शिगर और शंग्रीला जो थी ना वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई माशाल्लाह। क्या वो बहुत मजे की जगह थी, आप गए थे लेकिन आप वहाँ का विजिट नहीं कर सके, हम दूसरी साइड कर दूसरी साइड पे थे, हमारा प्लान था आपके साथ मुलाकात करने का, लेकिन जो थे हमारे पास तकरीबन 6 दिन सिग्नल ही नहीं आए जी, जब सिग्नल आए तब आप लोग वापस आ चुके थे, वहाँ पे सिग्नल की तो प्रॉब्लम है, इंटरनेट तो बस वो नाम के ही है, बाकी सिग्नल की तो प्रॉब्लम है। यकीन माने उन दिनों मतलब भी हमने वीडियो जो अपलोड किए हैं वो पहाड़ों पे चढ़ के बकायदा वीडियो आधा आधा घंटा ट्रैवल करके सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए, ऐसे ही ऐसे वो तो हम भी साथ साथ बताते रहे हैं वहाँ के इंटरनेट की सूरत हाल ऐसे ही है। काफी जगह वो होना हुआ शंग्रीला जो है ना ये बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे देखने के लिए माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे शंग्रीला भी हम लोग। और मैं हमजा भी काफी अच्छी जगह है, हमजा उसके आगे विलेज है, 3-4 विलेज हमने वो विजिट किए। मतलब इसमें ही जानना चाहूंगा कि हम लोग अभी टूर करके आए, ये भी टूर करके आए, हमने वीडियोस अपलोड की, इन्होंने इनकी जरफ नवाजी की, इन्होंने माड़ो बंदों की वीडियोस भी देखी है सुनने में आया तो ये बताएं कि हमारी वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीज़ जो थी वो अच्छी लगी और क्या क्या खामियां लगी आपको, जरा हमें ये बता दें। नहीं आपकी वीडियो माशाल्लाह से सारी अच्छी थी, एक जो मुझे लगा आपकी वीडियो में जो मिस्टेक थी वो ये थी कि आपको ड्रोन की कमी थी वहाँ पे ना, वो बहुत सारी चीज़ें थी जो बंदा वैसे कैप्चर नहीं कर सकता कैमरे से जो ड्रोन से कैप्चर होती हैं एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह जो असद भाई हैं बहुत जल्दी अच्छे वाला ड्रोन लेने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं तो सुन ले सुन रहा हूँ असद को नहीं कह रहे हैं मतलब भाई भी उनका असद साहब भी खुद भी नहीं ले रहे मेरे ऊपर ला रहे हैं बड़ों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है ना फिर तो इंशाल्लाह। एक तो वो था अगर ड्रोन के साथ थोड़े से सीन कैप्चर होते हैं तो वो भी मजे के होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी वीडियो सारी की मजे की थी। और दूसरा ये है कि जो आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डाल देंगे और जो आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं ना ये मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आई। क्या बात है, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने ये चीज़ें मैंने नहीं कभी नोट की जो भाई मुझे बता रहे हैं माशाल्लाह। तो ये होता है अगर आपके पास वेल एक्सपीरियंस्ड बंदा हो ना तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी बता देता जो हम खुद नोटिस नहीं करते हैं। मतलब भाई आप ड्रोन से मुझे याद है आपके पास ड्रोन इधर ही पड़ा हुआ है कि दूसरी जगह पड़ा हुआ है? ड्रोन इधर ही घर में, अभी हम ड्रोन के शॉट भी लेंगे। हाँ जरूर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर लेंगे, मैं भी आप लोगों को वो भी शेयर करूंगा जी। तो बल्कि एक दो शॉट तो अभी आप देख चुके होंगे। गुजरांवाला आप कब आ रहे हैं? पहले वाला जो आप आए हैं उनको छोड़ें आप की बात करें जब आप लाएंगे इंशाल्लाह।
आएंगे अभी चलेंगे इकट्ठे गुजरावाला, इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। अभी जाता नहीं, अभी तो नहीं, इंशाल्लाह आप जाएं वहां पे तो फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। असल में कल्ला भाई आपका जो है वो मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा वहां पे, इंशाल्लाह आप आए इंशाल्लाह मिल के जो है वो गुजरावाला विजिट करेंगे और किसी लंबे टूर भी आपके साथ जरूर निकलेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं मिस कर रहा हूँ ना, जो मैंने मिस की है, जब आप साथ होंगे ना इंशाल्लाह वो चीजें भी पूरी होंगी, फिर हम प्रॉपर जो है वीडियो कैप्चर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो एक और सेलिब्रिटी हमारे पास आया है, मोजर भाई। अस्सलाम वालेकुम। मोजर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो जी ये मोजर भाई हैं कलफ भाई के बड़े भाई और निहायत शरीफ आदमी माशाल्लाह। भैया कहाँ से उस वक्त से हम आपका वेट कर रहे थे, माशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ कर दिया गया, पानी वाला पी लिया, बहुत शुक्रिया सब सब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं आए हैं नमाज पढ़ने चले गए, तो मजे की बात ये कैमरा फाइन कल अपने पकड़ा हुआ। यार यकीन माने भाई की जो है ना वो कॉपरेशन वो काबले दीद है, उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं मतलब खुद थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ, काफी मैं समझ सकता हूँ। बार दफा ऐसा होता है ना, अभी मैं गया था जैसे वीडियो के सिलसिले में, तो वहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा कैमरा किसी ने पकड़ना चाहिए, तो फिर मैं सही। तो ऐसे ही एग्जैक्टली मुकल्ला भाई जो माशाल्लाह उनका बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भाई मुबारक के साथ इन्होंने बनाई, भाई मुकरम के साथ इन्होंने बनाई, मुबशर भाई के साथ, जैन भाई के साथ, और सबके साथ इन्होंने जो है वो वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, पुराना एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड के अंदर। तो ये वाकई बखूबी इन चीज़ों को समझते हैं और फुली कोऑपरेटिव है यार, फुली कोऑपरेटिव, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतने कोऑपरेटिव है ये माशाल्लाह। यकीन माने आपकी मोहब्बत है वगैरह ना हम तो कुछ भी नहीं। अच्छा आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे असद भाई माशाल्लाह से इन्होंने अभी नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, बिल्कुल, तो आप लोग उन्होंने जरूर बताना है कि इनकी ब्लॉगिंग कैसी है, और जो कमी पेशी हो वो भी बता देनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में तो कोई नहीं है, आप लोग उन्हें जरूर बतानी है। और माशाल्लाह मैं इनके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि माशाल्लाह जब मैं इनकी स्टेज पे था ना तो मुझसे इतनी अच्छी ब्लॉगिंग नहीं हुआ करती थी, तो भी मैं बात बता भी रहा था सब भाई को, माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी जो है ना इम्प्रूव किया और सारी चीज़ें पिक की हैं, तो आप लोग उन्हें ज़रूर बताना है कि असद भाई की जो व्लॉगिंग है वो कैसी जा रही है, तो जो जो उनकी मिस्टेक है वो भी बताते जाए, लेकिन मेरी नज़र में तो नहीं है, आप लोग उन्हें ज़रूर ज़रूर बताना। वैसे यकीन माने ये जो लहजा था ना ये मैं वीडियोज़ में देखते के ना, तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ये चीज़ सरप्राइजफुल है, और रियल में जब आप आवाज़ सुनते हैं और एक वीडियोज़ में आवाज़ सुनी होती है ना बड़ा फ़र्क होता है उसमें, जो रियल में मुझे मज़ा आया ना ये चीज़ सारी बातें सुनने का। मैं मज़े की बात बताऊँ तो मुझे अल्फाज नहीं आते कि मैं बस वो मज़ा ले रहा था जो भाई बोल रहे थे, इनका एक्सेंट, इनका अंदाज़ गुफ्तगू, इनके अल्फाज में मिठास थी, अल्फाज मुझे मिठास थी यकीन माने मैं वो महसूस कर रहा था। वो मैंने सीखा हमारे बड़े भाई हैं माशाल्लाह से, तो उनसे सारी चीज़ें सीखी हैं, मुकरम भाई से, मौसम भाई जो भी मिले हैं आपको, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना तो मैं भी छोटा हूँ, हाँ तो इसलिए फिर हमें चीज़ें बताते रहते हैं बड़े भाई, मुबारक भाई हो गए, अजमत भाई हो गए, तो बस चल रहा है ये निज़ाम। और मेरा बाजू जो है वो फुल थक चुका है भाई, कह रहे थे मैं ट्राइपॉड ले आता मैं कह नहीं हम जो है वो बॉल से पकड़ के बनाएंगे। असल में यही ब्लॉगर की निशानी होती है कि उनके पास सिर्फ मोबाइल हो या कैमरा हो तो वो अपने हाथ को ही जो है ना वो ट्राइपॉड बना लेते हैं माशाल्लाह। पड़ भाई काफी सारी जो है ना ये चीजें सीख गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी आप, और इसी के साथ अब हम आप लोगों से चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हमारे असद भाई हैं इस तरह हमें आप प्यार देते हैं, हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, असद भाई के चैनल को आप सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो स्पेशली नए बनते हैं माशाल्लाह से, और आप लोग ने जरूर बताएं कि इनकी ब्लॉगिंग कैसी है। तो आगे अच्छा मेरा एक सवाल आपसे जी भाई जान, मेरे चैनल का नाम क्या है? मैंने आपका नाम याद किया, आपके चैनल का नाम याद किया, वैसे ऐसे सरेरा। तो असद भाई के जो चैनल का नाम है वो है सरेरा, तो आप लोग जो है ना जल्दी से जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और जरूर बताएं कि असद भाई की वीडियोस कैसे हैं, और इसी तरह प्यार दें जिस तरह हमारे चैनल को हमें प्यार देते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि मैंने भाई से नाम क्यों पूछा था, क्योंकि मुझे 100% श्योर था कि मेरे चैनल का नाम जो बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो नाम याद है चैनल का नाम याद रहता है, इसलिए आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने दोबारा भूल जाना है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा,
कमेंट के अंदर हमें बता दीजिएगा। और एक चीज और के मुकल्लब भाई के चैनल पे जाइएगा और इन्हें नीचे जाकर ना कमेंट कीजिएगा कि भाई असद के साथ कोई टूर करें, असद भाई के साथ कोई टूर करें, फिर शायद ये हमारे साथ टूर पे निकले। इंशाल्लाह टूर होगा, इंशाल्लाह अभी मुकल्लब भाई हम जाएंगे इंशाल्लाह बाइक टूर पे जी। इंशाल्लाह ना आपने ये ऑन रिकॉर्ड याद आ गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बाइक नहीं ली, यकीन माने यकीन माने आपका ही शुक्रिया भाई, बहुत का शुक्रिया जिन्होंने परचेज कर दिया भाई हमारे। आज मुबारक हो अभी, मेरी भी यही कोशिश है की कोई अच्छी सी बाइक हो जिसपे टूर वगैरह के लिए बंदा निकल सके। इंशाल्लाह जो आपके पास बाइक है वो भी हमारी अपनी है, टूर के लिए जितनी बंदा इजी होके जाता ना अकेले अकेले बाइक पे वो ज्यादा इंशाल्लाह टूर होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। तो मुकल्लब भाई जब बाइक लेने वाले हैं, मेरी 150 लें या 200 या 300 सीसी लें मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन इंशाल्लाह लेंगे अच्छी सी बाइक और फिर जो है वो हम लोग जाएंगे इकट्ठे लंबे से टूर पे। भाई वैसे मुझे ये वाले का तो एक्सपीरियंस नहीं इतना, लेकिन जो ये बाइक वाला है ना बूम बूम वाला उसका ज्यादा मजा, उससे भी ज्यादा मजा मेरे पास किसका है ये वाले मेरे पास अच्छी रीजन है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मुझे फील होता था वीडियोस देख के ना कि अजमत बाइक मैन माशाल्लाह स्मार्ट भी है और उनको इतनी ज्यादा वो नहीं फील नहीं होता होगा पैदल चलने में, लेकिन मुबारक भाई के चेहरे से पता चलता था कि वो काफी थक चुके हैं। ऐसे है ना भाई मुबारक ज्यादा थक क्योंकि ना वो का जिसम जिसम भारी है और वो सारा कुछ काफी चीजें वो पांव जो भी वजन का उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा वो फील कर रहे थे, पैर स्टार्ट में पांव के लग गए, पैर जो है वो लग गए थे, उनकी चोट लग गई थी। खैर हमारी किस्त भी काफी लंबी चलने वाली है, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेगा, हम ही दीजिए इजाजत। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे भाई मुकरम जब कुकिंग करते हैं और ये रहा ड्रोन, अभी उड़ाने लगे हम लोग, शॉट देखिएगा। असद साहब लगे हुए हैं अपने ड्रोन की प्रैक्टिस करने और मुकल्लफ भाई ट्रेनिंग दे रहे हैं थोड़ा सा नीचे और मैं कैमरामैन के प्राइस इंतजाम दे रहा हूं। हाँ थोड़ा सा असद भाई इस साइड, हाँ इधर सही है, और नीचे आने दें इसके अंदर से गुजारना, ये दोनों दर्दों के अंदर से उस साइड को करें थोड़ा लेफ्ट राइट साइड को सीख गए हैं ये देखें, यही मैं बता रहा था बस इतने से काम होता है, वापस ले जाएं वापस ले जाएं, ज्यादा नीचे लेके आगे करें उस साइड को बिल्कुल नीचे लेके आए, सीधा करें इसको पहले पहले सीधा करें इसको। तो मैं एक चीज पहले भूल गया, मुकल्लब भाई के पास काफी टाइम हो गया बैठा, तो अचानक याद आया कि भाई के कॉन्टैक्ट तो मैंने आप लोगों को दिए ही नहीं है। भाई अपना जरा इंस्टाग्राम नेम बताइएगा। मुकल्लब राजपूत के नाम से ही इंस्टा और टिकटॉक भी मुकल्लब राजपूत के नाम से। एग्जैक्टली तो इंस्टाग्राम पे मैंने भाई को फॉलो भी कर लिया और भाई से फॉलो करवा भी लिया मैं कहा चलो मेरा एक फॉलोअर तो भड़े ना कोई सेलिब्रिटी हमें भी फॉलो करें, तो मेरे फॉलोअर्स 4 हैं इस टाइम, तो उनमें मुकल्लब राजपूत जो है वो भाई की आईडी है, तो आप भाई को जब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और टिकटॉक भी भाई ने आपको बता दिया, बाकी मुमकिन है आपने मेरा टिकटॉक किया हो फॉलो, टिकटॉक फॉलो होता है फॉलो ही होता है फॉलोअर ही होते हैं फॉलोअर्स ही होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो मैं भाई के साथ अभी कर लेता हूँ। अच्छा कि अब मुझे याद आ गया वीडियो बनाते हैं कि भाई से टिकटॉक भी फॉलो करवाते हैं और भाई को भी फॉलो करते हैं, तो ये भाई के जो है वो कॉन्टैक्ट भी हो गए और मुकल्लफ भाई की मेहमाननवाजी भी माशाल्लाह, बिरयानी कह लो पुलाव कह लो जो भी कह लो पुलाव जी पुलाव कह लें जी, और साथ में जो है वो मज़ेदार सा रायता। मुकरम भाई नहीं है यहाँ पे, मुकल्लफ भाई मैंने मुकल्लफ नहीं कहा था, वैसे मुकरम भाई जो है वो अच्छा पुलाव बनाते हैं माशाल्लाह, अभी ये घर वालों ने बनाया ये मुकल्लफ भाई जो, और मौसम भाई की जो दौड़े लगवा दिए भाई ने
वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा चावल डालिएगा मेरे लिए। खाने के बाद चाय शरीफ, और सभी जो तकल्लुफ और मेहनत है वो भाई मौजम कर रहे हैं। इवन आपको जो भाई मुकल्लफ के साथ मैंने मिलवाया, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो भाई मौजम है। इनके साथ फिर कभी डिटेल इंटरेक्शन करेंगे, डिटेल इंटरेक्शन करेंगे कभी भाई मौजम के साथ इंशाल्लाह।